बहुत ख्याल रखा वहाँ, आशीर्वाद, खुश रहो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फलहार नोमैड्स। आज हम इस वक्त सुजानपुर में हैं, जहां पर हमने अपनी गाड़ी 2 महीनों के लिए रखी थी। वजह यह थी कि हमें गांधीनगर वापस जाना पड़ा था कुछ काम के लिए, और वक्त ऐसे गुजर गया, 2 महीने चले गए, पता भी नहीं चला, और पता भी नहीं चला। सही बात है, वापस आए, अपनी गाड़ी हमने ली और आज हम अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं, और हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहीं भी आपको रास्ते में अच्छी साफ सुथरी सेफ सिक्योर जगह मिले वहाँ रोक के फ्रूट खाइए। फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और जब तक हमें अच्छी जगह न मिल जाए जहाँ पर हम अपना बकायदा जो खाना खाते हैं वो खाना न बना सके, तब तक फ्रूट का मज़ा उठाइए। तो देखिए, ये है हमारा आज का रास्ते का खाना। फ्रेंड्स, हम धर्मशाला पहुँच गए हैं। जैसे ही आप धर्मशाला पहुंचते हैं, आपको बुद्धिस्ट लामा बहुत सारे दिखने को मिल जाते हैं, तो कोई भी समझ जाता है कि आप धर्मशाला में ही हैं। इससे बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, गूगल ने काम करना छोड़ दिया है, गूगल तो जैसे पागल हो गया है। अजय है उसका नाम, एक का नाम अजय है। अजय, अजय कौन है? हाँ, वो मोटरसाइकिल। अरे क्या हुआ, गिर गया वो? अरे बज रही है ना। हाँ, इसलिए। इस वक्त हमने अपनी गाड़ी कैंप लोमटा के प्रीमाइसिस में पार्क की है। ये उनका पार्किंग का एरिया है और हमें अलाउ किया है उन्होंने यहाँ पर गाड़ी रखने के लिए, और हमने उनको समझाया कि हम अपनी अपनी रूफटॉप टेंट में सोएंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। तो देखिए यहाँ का नज़ारा कितना बेहतरीन है, मतलब। और जब जैसे जैसे शाम होती जाएगी, रात होगी, तो और भी मतलब मज़ा आएगा, और शायद दिन तो कैसे उसका वर्णन करूं, मतलब बहुत ही अच्छा होगा, कल दिखाएंगे आपको वो चीज़। तो दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है कैंप लोमटा, और धर्मशाला के बाजू में है। 2 महीनों के बाद हमारा ये फर्स्ट कैंप होगा अपनी गाड़ी के अंदर। कैंप भी करेंगे, खाना भी बनाएंगे, और आराम से चैन की नींद सोएंगे रात को। वो सब तो ठीक है, पहले कैंप लगा ले अपना। हाँ, वो तो करना ही, टेंट लगा ले। थोड़ी थोड़ी रात होने को ठंड भी बढ़ गई है। ओ, उसको हम लोग गुलाबी ठंडी बोलते हैं। गुलाबी ठंडी हो गई है, अंधेरा हो जाएगा। चलो, बातें कम, काम ज्यादा, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ठंड में तो भाई
कोजी कोजी बेड में पड़े रहने का मन होता है, आलस आती है बाहर निकलने को। लेकिन यहाँ यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो नज़ारा ही ऐसा है कि जैसे यहाँ खुल गई तुरंत टेंट खोलने को, और बाहर की जो नदी बह रही है बिल्कुल हमारे सामने, वो देखने का मन हो गया। हाय, क्या देखा आपने? आप अभी बाहर गई थी तो कौन सा नजारा देखा आपने? बहुत ही खूबसूरत होगा। अकेले अकेले देख लिया, हमें अंदर छोड़ दिया, ये तो थोड़ी बात होती है। आप है ना अभी बहुत आलसी हो गई, आपको बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा, इसलिए ये सब आप मिस कर रहे हैं देखने को। क्या करे, कल रात को नींद नहीं आई प्रॉपर। हमारे साथ है निर्वाणा के अमित, जिनको लोग प्यार से एमी भी बोलते हैं। वो बहुत अच्छे डांसर भी है। चलो रुकते नहीं और सीधा उनका डांस देखते हैं। I can see Himalayan vulture right on top of the hill. वहाँ उस पत्थर के बाजू में, बहुत दूर है लेकिन चलो ट्राई करते हैं कैसे पिक्चर आती है।